आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। निश्चित तौर पर जब आप अच्छा नहीं करते हैं तो लोग आपके बारे में एक राय बनाते हैं और हम इसका सम्मान करते हैं। मेरे हिसाब से लोगों की अलग अलग राय होती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम। हार्दिक पांड्या कुछ महीनों पहले तक टीम पर बोझ बताए जा रहे थे। लगातार टीम इंडिया में उनकी पोजीशन पर सवाल खड़े होते थे, लोग तरह तरह की बातें करते थे। हार्दिक पांड्या को टीम से ड्रॉप भी किया गया। फिर आया आईपीएल 2022। सुपरस्टार हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन वापसी की। पहले ही सीजन में अपनी टीम गुजरात टाइटंस को आईपीएल चैंपियन बना दिया। फिर उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की। आजकल गजब की क्रिकेट खेल लोगों को फिर से अपना दीवाना बना लिया। और ये सब कैसे हुआ? जब उन्होंने खुद को साबित किया। लेकिन खुद को साबित करने के बाद अब हार्दिक को लगता है कि टीम इंडिया को किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से गलत है, और साथ ही गलत हैं वो लोग भी जो उनके जैसा सोचते हैं, फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेटर हों या सेलेक्टर या फिर कोई प्रेसिडेंट। और ऐसा क्यों है, आज सिली पॉइंट में मैं यही बताऊँ। साबित करना, दो शब्द जिनके बहुत व्यापक अर्थ हैं। योग्य लोग खुद को साबित करना एक चैलेंज समझते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो अपने बारे में बातें कर रहे, स्पेशली उल्टी बातें कर रहे लोगों को शांत कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम की तो मेंटेलिटी ही डिफरेंट है। दे आर बिल्ट डिफरेंट। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं और उन्हें अब खुद को साबित करने की ज़रूरत न थी। और इस हासिल करने की लिस्ट देखें तो टॉप पर हमारी आखिरी ट्रॉफी साल 2013 में आई थी, जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आई ये ट्रॉफी हमारी आखिरी आईसीसी ट्रॉफी है। इसके बाद से हम टिन पॉट यानी कनस्तरी ट्रॉफी जीत रहे हैं। हम पूरे दिन, हफ्ते, महीने और साल द्विपक्षीय सीरीज में दुनिया की सारी टीम्स को हराते हैं और फिर आईसीसी और अब तो एसीसी इवेंट आते ही खेत हो जाते हैं। इसके बाद हमारे प्लेयर्स का एटीट्यूड ऐसा है कि कहिए मत। इनका साफ साफ कहना है कि उन्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये खेल ऐसा खेलते हैं जिसमें आपको हर रोज़ खुद को साबित करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने फला साल में लगातार 5 शतक मारे थे इसलिए साल 2022 में आपको वर्ल्ड कप दे दिया जाए। आपको 2022 का वर्ल्ड कप चाहिए तो आपको हर रोज़ क्या करना होगा? खुद को साबित। और आपको इसकी निश्चित तौर पर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये करना ही होगा। नहीं करेंगे तो फिर लोग आपको भुला देंगे, फिर ना तो आपकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग काम आएगी और ना ही लटके झटके। वैसे हार्दिक की बात सही भी है, वो क्यों खुद को साबित करने का लोड लें? जीवन में क्या कमी है? हमारे प्यारे क्रिकेटर्स के पास तो सब कुछ है, शोहरत है, इज्जत है, रुपया पैसा है और काफ़ी ज़्यादा आराम भी है। हर दूसरे टूर में किसी न किसी को रेस्ट दे ही दिया जाता है। साबित करने की रेस में तो वो लोग हैं जो इन क्रिकेटर्स का मैच देखने के लिए पैसा और वक्त दोनों फूंकते हैं, जो जेब खाली कर सुविधाओं के नाम पर प्रॉपर बकेट सीट भी मुश्किल से पाते हैं। वो लोग रहे साबित करने की रेस में। हमारे महान क्रिकेटर्स तो कनस्तरिया ट्रॉफी जीतकर खुद को साबित कर ही रहे हैं। और वैसे भी इंग्लैंड भले दुनिया जीत गया हो, लेकिन हमसे तो वो हारा ही था ना, वो भी अपने ही घर में। फिर कौन हुआ असली वर्ल्ड चैंपियन? कैलकुलेट करिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। ये एपिसोड शूट किया था विजय ने, शुक्रिया। 3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर वक्त है आमंत्रण का, आइए मिलिए, क्योंकि शहर दिल्ली में फिर जमने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। वो मौका जब स्क्रीन की सीमाएं टूटती हैं, हम वीडियो में दिखता कोई चेहरा बस नहीं रह जाते, आप किसी पोस्ट पर आए रिएक्शन का आंकड़ा बस नहीं रह जाते, अपनी शिकायतों, उम्मीदों, उल्लास और प्रेम के साथ चले आइए। पता है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तारीख 18, 19 और 20 नवंबर, इंतजार सिर्फ आपका। ये लास्ट लाइन बहुत चीकी थी, जल्लू जल्लू लाना।